डू यू रियली थिंक कि कोई बैकड्रॉप में कुछ चल रहा है ऐसा जो अभी कैलकुलेट नहीं कर सक रहे और बाद में शायद जाके कभी पता चले, लेकिन कोई कोई ऐसे अवामिल हैं जिसकी बेसिस पे वो ये ऑफर प्लेस कर रहे हैं? तो नहीं, अगर आप कहेंगे मेरे पास इंफॉर्मेशन है किसी चीज की बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस तरह के यानी एक तसलसल के साथ तीन चार बयान आना और वो सारी पोजीशन से थोड़ा विड्रॉ करना तरीके इंसाफ का, आपको याद होगा उनके ट्विटर हैंडल से मशरकी पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के ऊपर किस किस्म की ट्वीट हुई, उस पर क्या तस्वीरें लगाई, वहां से यहां तक का सफर पिछले तीन चार जो दिन में हुआ, अगर आप मुझे पूछे क्यों हो रहा है, देखिए पॉलिटिकली अगर आपके पास वो स्पेस किसी ने दिखाई हो तो इस तरह का बयान देना कमजोरी दिखाने के मुतरादिफ है कि आप इस तरह कमजोरी दिखा रहे हैं कि आप बार बार पीछे जा रहे हैं कि मेरे साथ बातचीत करें। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इस वजह से ये काम करें, मुझे तो जो थोड़ी सी बात लगती है यानी अब ये तज्जिए की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि शायद किसी ने कहा हो कि आप इस तरह के बयान दें ताकि आगे बात किसी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हो सकता है देखे कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं खान साहब को पनाह पर जा सकते हैं कि आज आप जो करते जो बातें करते हैं इनके साथ बातचीत कैसे, तो वरना अदरवाइज मुझे कोई वजह नजर नहीं आती ताकि कहनाते थे। अगर आपको आगे से इंकार ही होना है तो क्या जरूरत है ऐसा कि बयान देने की, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजिशन ली हुई है, खड़े हुए हैं, उसकी वजह से मकबूलियत आ रही है, लोग आपके साथ हैं, सिंपथी का वोट आपके साथ जा रहा है, क्या जरूरत है बगैर किसी वजह के बगैर किसी यकीन दहानी के ये बदलने की, मेरी तो समझ से बाहर। जी बहुत शुक्रिया काशिफ आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, हमेशा वेरी थॉटफुल एंड वेरी मीनिंगफुल आपका एनालिसिस होता है सर। अच्छा आपको लगता है कि खान साहब इतने सिंपल हैं, इतने भोले हैं कि जो बातें आपको हमें समझ आ रही हैं यहाँ इतना दूर बैठ के ये बातें उन्हें खुद समझ नहीं आ रही, और जो उन्होंने ये कहा है मेरे लिए थोड़ा सा साइड से पजलिंग कि उन्होंने कहा कि फ़ौज अब अपना नुमाइंदा मुकरर करे, जैसे मैंने अपना नुमाइंदा महमूद अशरज़ई को मुकरर किया है तो आर्मी जो है वो भी किसी को नॉमिनेट करे मुज़ाकरात के लिए, तो खान साहब तवक्को रखते हैं कोई थ्री स्टार जनरल, कोई कोर कमांडर, कोई DGI, कोई वहाँ से कोई क्वार्टर जनरल मास्टर से, या किसी कोई ये कोर कमांडर कोई अगर मंगला या पिंडी को उनमें से किसी को नॉमिनेट करें कि फलां जो थ्री स्टार जनरल जो हैं वो मुज़ाकरात करेंगे इमरान खान साहब के ये नॉमिनेटेड नुमाइंदे से, तो खान साहब ये तवक्को रखते हैं सर? लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ दरअसल मुझे वो ये बयान समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी तवक्को क्या है कौन करे, मुझे तो लगता है वो नॉन फौजी एलिमेंट ही होगा, यानी ये तो नहीं हो सकता कि साहब आप जिनका कह रहे हैं कोई कोर कमांडर कोई इस तरह का, उन्होंने कहा है कि फौज अपना नुमाइंदा, उन्होंने कहा फौज अपना नुमाइंदा मुकरर करे ऑन रिकॉर्ड, किसी ने पूछा ना ये तो नुमाइंदा उसी किस्म का होगा जो इमरान खान साहब से पूछा गया अगर फौज मोहसिन नकवी को अगर कह दे तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं इसने हमारे पे बड़ा जुल्म किया ये मैं नहीं मानता, तो इस किस्म के नुमाइंदे की शायद वो पॉलिटिकल सियासी नुमाइंदे की ज्यादा खान साहब से बात कर रहे होंगे, लेकिन असल मसला ये नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, असल मसला ये वो क्यों कह रहे हैं, मुझे तो क्यों समझ नहीं आ रहा कि आप नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, ऐसे कह रहे हैं जैसा कि वो कहेंगे और कल नुमाइंदा मुकर्रर हो जाएगा, परसों बातचीत शुरू हो जाएगी, जबकि उधर से बार बार एक ही पैगाम आ रहा है कि बातचीत नहीं होगी अनलेस खान साहब को कुछ ऐसा इल्म है जो हमें इल्म नहीं, अनलेस बैकग्राउंड में कुछ ऐसा हो रहा है जो हम नहीं जानते, मुझे मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है कि ये क्या ये जो ये वो कहते ना रोग साहब अंग्रेजी है कि इज ऑलवेज अ मेथड टू मैडनेस, क्या इसका कोई मेथड है, कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बगैर वजह के तो नहीं हो सकता, इमरान खान साहब बेवकूफ तो है नहीं यार, अगले ने अपनी पार्टी को फ्रॉम वो रैग्स टू रिचेस वाली बात की है कि जो पार्टी को इधर खड़ा कर दिया है, एक और भी हो सकता है काशिफ, आपने कहा समझ नहीं आ रही तो मुझे याद आ रहा है जवेद हाशमी साहब ने कहा था ये आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत के बारे में कि इनके सियासत की समझ भी किसी को नहीं आ सकती, इन पे भी PhD भी आप कर लें फिर भी समझ नहीं आएगी, तो आप इसी तरह की बात कह रहे हैं कि खान साहब की सियासत भी आप जैसे इतने मतलब 20-25 साल आपको भी होने वाले हैं सियासत, ये सियासत को फॉलो करते हो, लोगों से मिलते हैं, तमाम लोगों से मुलाकातें रही हैं आपकी, आपने भी कवर किया है पार्लियामेंट की है फॉरन ऑफिस की है बहुत सारी मुलाकातें, जैसे खान साहब से भी कई दफ़ा आपकी मुलाकातें होती हैं हमारी भी होती थी, तो आप भी नहीं समझ पा रहे खान साहब के इस माइंडसेट को कि वो क्या कर रहे हैं? देखिए मैं बिल्कुल वाकई मैं आपसे ऑनेस्ट ये कह रहा हूं कि मैं इस मूव को स्पेशली ये जो पिछले तीन चार दिनों में जो सॉफ्टनेस आई है मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि, और मुझे बार बार मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं हो सकता कि कोई किसी किस्म की यकीन दहानी या किसी किस्म की इसके बगैर ये सारी अच्छे अच्छे बयान आ गए हों कि देखें आप न्यूट्रल हो जाएं और ये तो हमें लड़ाना चाहते हैं और ये फौज की और सबसे मकबूल
सियासी जमात की लड़ाई कराना चाहती है हुकूमत। ये बयान अब इससे हफ्ता दासिम 15 दिन पहले चले गए, आप देखें तो उसे कितने सख्त बयान आ रहे। ये मुल्क में जमहूरियत तो है नहीं, एक मार्शल लॉ है, बल्कि आज ही ने जिक्र किया कहेगा मुल्क में तो गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ, तो मैं उनसे बात करूंगा जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया। ये जंगल का बादशाह है, ये तो मुझे और मेरी बीबी को ये सजा देना चाहते हैं और अंदर रखना चाहते हैं। तो ये काफी एक डिपार्चर है उस पोजिशन से इमरान खान साहब का। मैं फिर ये जैसे कह रहा हूँ, कुछ बयानात, कुछ हालात, कुछ वाकयात देखकर आप कहते हैं बच्चे समझ नहीं आ रही। अब जैसे आपसे मेरी फोन पे बात होती है साहब जी, अब मैं आईपीपीएस के ऊपर मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कल ये एक्चुअली प्रोग्राम में डिस्कस कर था कि यार ये सारी बहस क्यों शुरू हो गई, सॉवरन गारंटीज है ये क्या कर रहे हैं, क्यों एकदम गौर जाज और अब सलनी धरने शुरू हो गए आईपीपीएस के। वो तो मैं कुछ चीजों की आप लॉजिक ढूंढते हैं कि इसकी लॉजिक ये होगी इसकी लॉजिक। अब सिमिलरली एज ए जर्नलिस्ट आपको किसी चीज की अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप लॉजिक के ऊपर परखते हैं कि क्या वजह हो सकती है। मुझे तो एक ही वजह नजर आती है कि किसी ने कहा हो कि आप ये बयान अच्छे अच्छे दें ताकि बातचीत आगे। काशिफ, एक और वजह भी हो सकती है, जस्ट आप और मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब एक साल से ज़्यादा हो गया उनको जेल में, या साल होने वाला है मेरा ख्याल है अगले 5 अगस्त तक, तो खान साहब को उम्मीद थी कि इतनी देर तक मुझे जेल में नहीं रख सकेंगे, फिर इलेक्शन भी जीते, पार्टी वापस भी पावर भी आई, उनकी हुकूमत केपी में बनी, यहाँ पे बहुत सारा वोट बैंक। सो खान साहब आज थिंकिंग कि मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था किसी इंटरव्यू में, जी हम तो सोच रहे थे कल हमारी हुकूमत आ रही है 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को हम सारे लोग बाहर होंगे। तो खान साहब एक फ्रस्ट्रेशन का, एंगर का, और सबसे बढ़कर मूड स्विंग्स का कुछ शिकार हो रहे हैं आप समझते हैं? जैसे आपने कहा 3 दिन पहले उनके कुछ और बयान आते थे उन्होंने, और बुशरा साहब ने बड़ी सख्त बातें की आर्मी चीफ के हवाले से, 4थे दिन वो कहते हैं जनाब कि हम तो उनसे बातचीत करना चाहते, अगर बातचीत करना, मुझे अभी भी खतरा है कि 2-3 दिन बाद कोई रिस्पॉन्स ना आया तो खान साहब फिर चढ़ाई करेंगे और फिर बड़े सख्त किस्म के बयान आएंगे। तो ये तो मूड स्विंग्स का मुझे को लगता है कोई खान साहब का इशू। देखिए मुझे, मैं अगर तो कोई, अगर आप मुझे ये कहें कि खान साहब थक गए हैं या कैद में बहुत हो गई या मेरे बाहर जाना है, देखिए इन बयानात से खान साहब को ही पता है कि जितनी कमजोरी दिखाएंगे उतना उनका बाहर निकलने का या वो रास्ते मुश्किल होते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर वो मरियम नमाज ने ठीक कहा था, पावर ओनली टॉक्स टू पावर, वो मकबूल है ये हम सब जानते हैं। कब तक सस्टेन हो सकता है जो मौजूदा हालात हैं जिसमें धरने चल रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, ऐसे वक्त में उनको स्पेस देना या उनको रिस्पाइट देना, इस सियासत की मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही। एक तो होता ना कि आपके हालात आपके खिलाफ जा रहे हैं, हालात भी आपके साथ ही जा रहे हैं, हुकूमत कुछ मैनेज करने में नाकाम, तकरीबन नाकाम ही हो रही है, तो पैसे पैसे नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा इस मुल्क में, बिजली के बिलों से लोग तंग आए हुए हैं, यहाँ पर रोला पड़ा हुआ पाकिस्तान में बिजली बिलों का या महंगाई का, ऐसे में खान साहब अपनी कमजोरी दिखाएं, मुझे नहीं लगता कि उनको भी इतनी असेसमेंट, उनको इतना ख्याल तो होगा टाइमिंग के बारे में कि ये वक्त नहीं है काम करने। दैट्स व्हाई मैं कुछ ज्यादा कंफ्यूज इसी वजह से होता हूँ। एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि तमाम लोगों का दबाव रहता था पार्टी की तरफ से भी, खान साहब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, थोड़ा सा आप जरा स्लो हो जाएं, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, आप एक पीस इसकी सीज फायर की ऑफर करें, अच्छे अच्छे बयान जो आप भी कह रहे हैं। तो खान साहब ने जो शरायत रखी है ये तो नॉन स्टार्टर है, उन्हें भी पता है कि ये बात आगे नहीं बढ़नी। चलो उन्होंने कहा आपके इनकी ये जो एलिमेंट है कोई मीडिया में है या पार्टी में है या लोग कहते हैं खान साहब आप जरा थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, जो शरायत तो देखें उनकी शरायत बड़ी सख्त है। पहले ये कहना फौज अपना नुमाइंदा नॉमिनेट करे, जो मेरा नहीं ख्याल फौज कभी करेगी जनाब, दुनिया में ये इमेज है कि फौज और खान साहब के नुमाइंदे गुफ्तगू कर रहे हैं, नंबर वन। दूसरा वो कहते हैं जनाब कि हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए जो चोरी हुआ है, हमारी सीटें 180 वापस की जाएँ। अच्छा, साथ में कहते हैं मुकदमे हुए हैं उन पर उनको ख़त्म किया जाए, उनको रिलीज़ किया जाए कारकुनों को। साथ में कहते हैं जनाब शफाफ इलेक्शन पर हमसे बात की जाए। अब ये चारों शरायत अगर देखें तो इनमें से कोई फौज मानने को तैयार नहीं होगी, ना फौज के पास ये मैंडेट होगा कि हम ये चार ही चीज़ें ठीक करके खान साहब को खुश करके इनको वापस में लें। सो खान साहब को इतना पता तो होगा कि मैं बस वो किसी ने कहा हुआ है तो ठीक है जनाब कर देते हैं।